भाई लोग सीन हो गया, जूते चोरी सोलन में आते ही जूते चोरी। इतने महंगे जूते नहीं थे यार, सस्ते जूते थे 2-3 हज़ार के। रूम के बाहर यहाँ धंधे रखे। ओ पेरा पोना बाबूजी, कैसे हो सेठ साहब? वो चंगे 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 कहा है मेरे? फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का सीन पहले तो आप ही देखो, अभी कहाँ है हम खड़े? अभी हम ना पेट्रोल पंप में खड़े हैं, ये पटसारी का पेट्रोल पंप। और सीन ऐसा है ना, अभी बज रहे 4:35 हो गए अभी टाइम ना। और अभी वे हरमान वे हमने पेट्रोल पंप वाले को उठा रहे, अरे उठने रहा। हमारा सीन ऐसा है, हम निकल रहे आज कहाँ, सोलन को। वहाँ पर है बाबा जी का सत्संग, लक्की वगैरह जाते हैं बाबा जी के पास ना, इनका कुछ मतलब होता है वहाँ। मेरे को नहीं पता नहीं, उन्होंने कुछ मेरे को स्टोरी सुनाई है, ऐसी स्टोरी है ना, मेरे को बड़ा मन कराया नहीं जाना पड़ेगा बाबा जी से मिलने। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई, मेरे को पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुना रही थी ना मेरे को। शाम भर हम बैठे हुए थे, हम सारे रूम में थे ना रात भर, तो सारे मेरे को स्टोरी सुना रहे थे और मेरा बड़ा मन करा जाने। मैंने जाएंगे जाएंगे ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये अभी मेरा कौन है, लक्की है, डीके है और अर्पण है, चार बंदे हम ना। अभी हम पेट्रोल पंप वाले को उठाते, एक पाने ये उठ ही नहीं रहा बंदे, पता नहीं क्या सीन करा यार, अब जाना पड़ेगा इसके पास। उठाते इसको, फिर मिलते हैं आपसे कहीं और नीचे पहुंच के ना। आगे 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 देखो पेट्रोल वाले भाई जी आगे, तो मिलते हैं अभी डायरेक्ट आपको कहाँ, थोड़ा खड़ा पत्थर पहुँच के या कहीं और कहीं पहुँच गए ना। यहाँ देखो यहाँ ना पेट्रोल फिलअप हो रहा है, इसमें 1500 का तो हो गया, और यहाँ पर ये तेल पी रही है, उसको पीना पड़ेगा क्या, किसका काम है तेल पीने का। ओए तू क्या पी रहा है, क्या खा रहा है? हो जा 17, 18, 20, पता नहीं कितने में होगी फुल, मेरे को भी नहीं पता। 3500 होती मेरे हिसाब से फुल ना। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं शिमला, यहाँ देखो शिमला की पहले टनल है ये। तो अभी ना हालत बहुत ज़्यादा खराब है, और गाड़ी चला रहा है अभी लगी लगी कहाँ है लगी कहाँ दिख, बाकी सारे सोए हुए पीछे से, ये भी सोया ये भी सोया हुआ है। मेरी हालत भी खराब है, अब मैं भी सोने वाला हूँ। अब लकी आ गया स्टीयरिंग पे, अब मैं इसको थोड़ा रेस्ट मारता हूँ और आगे का व्यू चेक करो। और ना बाहर मौसम खराब है यार, मौसम बड़ा गंदा है आज, मतलब वैसा नहीं है बाहर व्यू ना, उतना खास व्यू नहीं है। आप देखे ना, आप तो सर आप देखो ठीक है, आप तो वैसे सीन है। अब मिलते हैं आपको ना कहीं आगे और पहुंच के कहीं अच्छी सी लोकेशन में, अगर कुछ मिले कुछ ना दिखाने लायक। तो भाई लोग अभी रुके हम ना कुछ इस तरह की लोकेशन पर, बस सोलन अभी यहाँ से मारो कितना 25-30 किलोमीटर दूर रह गया, थोड़ा रह गया सोलन पहुँच। और ना यहाँ देखो मौसम बहुत गंदा है यार, बारिश हो रही है ना, देखो यहाँ कार पर देखो बारिश दिख रही है आपको ना, बारिश हो रही है अभी तो हल्की हल्की हो रही है, और मेरे को लग रहा है ना मौसम बहुत गंदा है और बारिश ना बहुत गंदे वाली होनी है इसके बाद अगर होगी बारिश स्टार्ट ना। हमारा ना बहुत मोटे वाला कट चुका है बाहर ना, मौसम बहुत गंदा, देखो बारिश ही बारिश हो रही है यार बाहर। और ना हम सोच रहे थे कि हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा सोलन में, और ना बात बहुत गंदे वाली बारिश हो रही है। ये देखो पीछे से क्या बना रहे, अभी मैंने अपने पास हेलमेट भी लेके रखा अपना ना, साथ में गोप्रो लगा के रखा मैं, अगर क्योंकि मेरे सोलन थोड़े बहुत दोस्त है ना, उनका बाइक हुई इसलिए मैं थोड़ा बाइक भी पका गया सोलन में। पर ऐसा मेरे को लग रहा है आज कुछ ऐसा हो रहा है बाहर ना, बहुत गंदे वाली बारिश हो रही है, क्या करे कुछ नहीं कर सकते ना। देखते हैं अभी थोड़ी देर में अगर सोलन पहुंचने वाले हैं, अभी मैं अपने दोस्त के रूम जाऊंगा रोहन के, वहाँ एक बार फ्रेश फ्रूश हो गए, रोहन से मिलाएंगे आपको अगर उसके रूम में उसके घर वाले ना हो ना, तब रोहन से मिलाएंगे। और क्या है और क्या है और ये कि अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और अभी टिप शॉप करना मरे इसके बाद।
तो गाइस अभी अब डीकी ने अपने घर वालों को कराया फोन, अपने बाबू को कराया फोन, और ही बुरा कि ना इसका पैसे नहीं, हमने पैसे उठाया घर से ना, और उसको सुनते इसको पापा घर कॉल ना, तो देखते क्या सीन होता है। चकली चुप रहना। हेलो ओ पेरा पोना बाबूजी कैसे हो सेठ साहब, वो चंगे 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 कहा है मेरे बाप इधर। अरे यार यहाँ सुलन पहुंच गया मैं तो, यार पैसे दे दो यार। ओए बाप यार, ओ यार पैसे दे दो यार। ओ यार कैसे? अच्छा मेरे को 5000 चाहिए। वो यार यार डगी है बहुत मेरे, क्या करूं रोटी नहीं खाई है। ओए बाप यार चंगा फिर चला फिर मैं ठीक है पैसे भेजते हैं। ओके 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 लव यू ठीक है बाय। यहाँ देखो बाहर क्या हाल यार, मोटे ही सीन है, वाइपर भी इतना फास्ट है करा ऑन बाहर देखो तो। अब ऐसे में क्या मजे करने हमने सुलन में यार, हमारा कैंसिल हो गया। कैंसिल तो क्या हो गया मतलब मूड डाउन हो गया सबका, आ तो गया। अब करेंगे क्या सुलन में हमें, पूरे दिन भर बैठे रहेंगे झुकने के रूम में। देखो पूरे हाल यार बार मोटे। तो गाइस यहाँ मिल गया हमारे को अपना दोस्त रोहन, इसको बुलाया अपने रूम से, बुलाया इसको अपने ऊपर ना। देखो वाला देखो इसकी हालत है यार भी। हम इसको अबुल अबुल गाड़ी कहाँ लगानी, गाड़ी रुक जा, अभी मंत्र मंत्र पड़ेगा गाड़ी लगाने के लिए। चल 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 चल। ये सोया था यार इसको उठाया से उठाया, उठना पड़ता क्या करे, मार तुमने खानी इसने, मेरे सोलन में रहता है ये बिल्कुल। अरे भाई अब तो यहाँ गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, मौसम ही खुल गया क्या। अगली बार हमने गाड़ी लगाते फिर मिलते हैं ना। तो भाई लोग मैं गया बहुत ज्यादा थक, बुरा हाल हो गया सफर में। अभी बैठा मैं रोहन के साथ, ये लगा है कुछ यहाँ पर काम कर लैपटॉप में, पता नहीं क्या करे भगवान जाने, हमें वीडियो एडिटिंग कर रहा है। और हम पड़े बिस्तर में लंबे, पैर दर्द हो रहे है, और यहाँ तो कुछ नंगे को ये अपना नंगा। एक घंटा लगा इसको नहाने में यार, अरे साबुन नहीं रहा था मेरे पास। तो एक साल बाद ना तो साबुन कहाँ जाएगा बॉडी से, मैं ना रहा, हम सूफी बंदे, हम सूफी का मतलब साफ बंदे, हम थोड़ा फ्रेश होते हैं, पर अब यार नींद ही बहुत यार बुरा लोग। अब तो लकी चली जाओ आप सत्संग में, तो सो रहा हूँ यहाँ आ गया लकी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बड़ा ही लंबा सफर तय करके आए हैं। तो मिलते हो आपको ठीक है, पोजिंग कर, पोजिंग दिखा, फ्रेश हो गई इसको दिखा, पोजिंग करेगी, पोज पोज करवा। तो भाई लोग मेरे साथ हो गया सीन, मेरे हो गए जूते चोरी यार, यहाँ से सारे भाई लोग जूते ढूंढ रहे यार, यहाँ जूते नहीं मिल रहे। और ये बोरे की रोहन के जूते भी लिए थे किसी ने एक दो दिन पहले, इसके जूते को ले गया था तो रोहन के, इनके जूते को ले गया तो आपकी शायद चकली की। यार देखो यार देखो, मैं नंगे पैर सॉक्स दिख रहे, सॉक्स में मैं सबने जूते पहने, बस मैं अकेला फंस गया यहाँ यार। यार तो स्कैम हो गया मेरे साथ यार भाई लोग, सीन हो गया जूते चोरी सोलन में आते ही जूते चोरी, इतने महंगे जूते भी नहीं थे यार, सस्ते जूते थे 2-3 हज़ार के, रूम के बाहर से, रूम के बाहर यहाँ से मिलती है, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद जूते चोरी, ये जूते स्पेशल की जूते चोरी। मेरे को लग रहा है लकी इस डीके का हम, ये अभी भी सच है भाई, कट गया फिर हमारा जूते चोरी। फोटो में, फोटो में कहाँ जूते मेरे पास, अरे कोई फोटो फोटो खींचो ना, फोटो खींच, अरे जूतों के साथ है जिसमें तूने वो पहने हुए, ब्लैक कैसे बोल तुर्क में, कैसे बोलूँ, ब्लैक कलर के स्लीट से व्हाइट कलर की उसमें लगे निकटा, जैसे सीन हो गया, गलत हो गया यार, गलत हो गया। एक जना सत्संग, सत्संग के लिए हम स्पेशल यहाँ जूते गायब हो गए, मना कर रहे हैं बाबा जी, मना कर रहे हैं, मैं नया नहीं बाबा, इसलिए मेरे को लग रहा है मैं नया नहीं, इसलिए बाबा जी ने मेरे को गड़ रख लिया, तू नया क्यों नहीं, चप्पल पहना, चप्पल पहननी पड़ेगी, चप्पल पहनते हैं। तो भाई लोग अब जा रहे हम सत्संग को, कॉलेज नहीं सत्संग, तो तुम्हारा भाई देखो अभी तुम्हारा भाई चप्पल में दिख रहे पैर में चप्पल, तू तो कैसे चप्पल में है, तो जूते चोरी हो चुके हैं। एक बार सत्संग जाते उसको देखते हैं, उसको निकलेगी ऊपर नहीं जूते लेगी मॉल को, नहीं जूते लेगी जॉर्डन, नहीं जूते लेगी फिर जॉर्डन। हाँ
रोहन तेरी वजह से मेरे जूते चोरी हुए। ओए इधर देख, इधर देख, केवल तेरी वजह से मेरे जूते चोरी हुए भाई। ये तो अनोखा ही हो गया भाई, परसों रात को मेरे जूते चोरी हो गए। कंटेंट मिल गया, जूते चोरी सोलन जाते ही यार, सीन हो गया मोटे वाला। चलो जो बोलता है चिकली होता है। तू अभी भी देख उसमें क्या बोलते हैं, फोटो फोटो दिखा रहा, फोटो नहीं होने में जूते के साथ खींचे भाई। चलो मैं तो भाई लोग, जूते तो चोरी हो चुके हैं, इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो चुका है। अभी देखो रोहन हमारे नए उस्ताद ड्राइव कर, शहर का अलग गांव का अलग ड्राइवर। हाँ शहर का लगे गांव के अलग, हमने अलग अलग ड्राइवर रखे अलग अलग जगह में। ये शाही ठाट है हमारे, वाह कौन बोल रहा है ऐसा। तो अभी जा रहे हम सत्संगी साइड, हरिभवन क्या है जगह का नाम, हरिभवन उस जगह जा रहे हम। हाँ चेक करो उस जगह को, मेरे को नहीं पता कहाँ है वो जगह ना। तो ये गाड़ी वाले क्यों हमारे को ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, इतनी सेक्सी लग रहे हैं हम। सेक्ट्रेट में ही लगा अब क्या करें, अब मिलते कहीं आगे पहुंच गए तब करते बातचीत आप लोगों से। ये कोटनाला अभी हम पहुंचे कोटनाला। एक दिन चो यहाँ पर बिना इंडिकेटर जाके मार के आ रही है। गाइस ये चेक करो, आज इतनी दिख रही नहीं अरे बड़े गाड़ियां ना, पीछे तक काफी थी, एक दो किलोमीटर में इतनी सारी गाड़ियां थी, और ये सारी गाड़ियां ना सत्संग वालों की है। अब क्या हुआ, तो आगे देखते आगे कहां तक होना है सही जाम। देखो आगे पुलिस वाले भी खड़े हैं यहाँ पर, ये जो लोग दिख रहे नहीं दे रही ये ऐसी चमकीली चमकीली ड्रेस में, ये सारे सत्संग के हुए हेल्पर्स, मतलब है तो सेवादार। मेरे को क्या लगे बंदे, सेवादार इसका परफेक्ट वर्ड है। तो इधर से गए हमने चेको, यहाँ से हेलो। तो भाई लोग अभी हम बैठे कैफे में, ये अपने एक भाई का कैफे है सोलन में। तो इससे पहले गए तुम कहाँ सत्संग में ना, बाबा जी के सत्संग में, वहाँ ना मजा आता, मोटे सीन हुआ ऊपर से नीचे गए, मैंने वीडियो बना रहा था इसी बार ना, और एक दीदी ने परेशान, वीडियो नहीं बनाओ। जैसे मैंने बोला वीडियो मैंने बंद करा, मेरे सामने आ गए 10-20 लोग आ गए, बोले भाई जी कौन वीडियो बना रहा है, कौन वीडियो, मेरे को क्या बता था वीडियो नहीं बनानी पड़ती वहाँ यार, फर्स्ट टाइम गया ना, इसने बोला मेरे को वीडियो नहीं बनानी पड़ती, मोटे सीन हो गए थे वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट कराई, पर मैंने वीडियो रखी अपने पास सेव करके ना, ऐसे तो नहीं, ऐसे थोड़ा दिमाग से ले गए थे हम ना वीडियो हो। और उसके बाद वहाँ बैठे हुए थे तब बाबा जी का मैं थोड़ा वो सुना, क्या प्रवचन सुने हमने बाबा जी के वहाँ बैठ के ना, 15-20-30 मिनट सुने उन्होंने प्रवचन, जो हम थक गए थे वहाँ बहुत ज़्यादा, एक निकल रात के चले हुए ना, तो ना खाना पिया कुछ नहीं, ना सोए, तभी नींद आ रही थी बहुत गंदी वाली। तो अभी हमारे को अपने भाई ने लाया यहाँ पर कैफे में, तो अभी हम यहाँ पर कुछ ऑर्डर करते हैं खाने को, बहुत गंदे वाली भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदे वाली, खाली पेट डिकार आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे सीन है। तो ऐसा कुछ मैं कैफे को देता हूँ थोड़ा, एक ना सिनेमेटिक शॉर्ट्स दिखाओ ना, तब देखो कैसे क्या सेक्सी कैफे। देखो भाई लोग यहाँ डीके लगाया कुछ ऑर्डर करने ना, अब इसको पड़े तो जा नहीं रहा, राजमा चावल सुलना के, तो राजमा चावल खाएगा, आलू परांठा 30 रुपए, गोभी परांठा 40 रुपए, पनीर परांठा खाते 40 रुपए का, मैं कहूँगा आलू परांठा, क्या खाएगा आलू परांठा 30 रुपए का।